बहुत बहुत आपको बधाई। आगे ये लोग रखना बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत याद आ रही है, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। चलो निवेदन करना चाहूँगा कुलदीप राज दुबे जी से, माता विष्णु देवी, उनके बाद बलदेव राज शर्मा जी, माता विष्णु देवी और धार तालियों के साथ आदरणीय पवन गुप्ता जी हमारे कुलमपुर वेस्ट के विधायक। और भाई एक फूल दो ना, पवन गुप्ता साहब भैया, रणवीर सिंह जी से जोरदार तालियों के साथ। मेरी रंग बदली चल चल ठीक है। डॉक्टर सुनील भरद्वाज जी रामनगर। श्रीमान सतीश शर्मा जी क्या बिलावर से हमारे विधायक। हेलो सर जी, आदरणीय दर्शन कुमार जी, ठाकुर दर्शन सिंह, ठाकुर दर्शन सिंह जी बसोली से हमारे विधायक। डॉक्टर भारत भूषण जी, एडवोकेट विजय कुमार जी, विधायक। आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, सांबा से विधायक। कृष्णा से विधायक नहीं। डॉक्टर राजीव भगत जी कृष्णा, सामने देखो। सामने सामने विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी बोले सोनिया। युधवीर सेठी जी जम्मू ईस्ट के विधायक। आदरणीय मोहन लाल जी, देखो सामने। शांत क्या
क्या बात। हाँ इसको ये श्रीमान शक्तिराज परिहार जी क्या बात। दो तो ये नहीं है भैया, सारे रंग हमारे चलो ही पाओ। जकारा मां शेरवाली का सुनील जी आपका नाम मैं लेता नहीं खत्म कहाँ है सुनील जी। जकारा मां चंडी वाले शेरवाली का ये संकेत नहीं भाई। देखो कुछ ईश्वरी है मीडिया के बंधुओं का आपको बहुत धन्यवाद। 2024 के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित सभी विधायकों का शानदार और भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो शानदार जीत हुई है उसके लिए सभी नव निर्वाचित विधायकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं हृदय से दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता विशेषकर जम्मू संभाग की जनता जम्मू रीजन के जो मतदाता वोटर्स हैं मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। 29 विधायकों की भव्य जीत के साथ 26% से ऊपर वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में लिया है वो सबसे बड़ा वोट शेयर है और अब तक का रिकॉर्ड 29 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल, शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को ये भव्य जीत अर्जित करवाई है। मैं हृदय से सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। सर लीडर ऑफ ओपोजिशन को लेकर कब तक फैसला लेना जाएगा? आज नए चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सम्मान समारोह है। जीतने के बाद चूंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक इस समय जनता के बीच जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, मतदाताओं का, वोटर्स का, कार्यकर्ताओं का, सबका अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद कर रहे हैं, इसलिए आज पार्टी मुख्यालय में सभी विधायकों का जीत के बाद पहली बार स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जिनको पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और श्रीमान तरुण चुग साहब, वो जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पुनः विधायक दल की यहां बैठक होगी और आगे की प्रक्रिया, आगे के जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी उसको आगामी बैठक में डिस्कस किया जाएगा।